हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और भाई फाइनली आ चुके एक और न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो के साथ में। तो जैसा कि गाइस मैंने अपार्टमेंट्स की जो है टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो डाली थी और भाई उस पर बहुत ज़्यादा क्रेजी रिस्पॉन्स था, लेकिन भाई उस कॉमेंट सेक्शन में भाई लोग एक ही चीज़ पूछ रहे थे कि भाई स्क्वाड हाउस पे कब लाने वाले हो, स्क्वाड हाउस के लिए भी लेके आओ उसे टिप्स एंड ट्रिक्स। स्क्वाड हाउस में हम बहुत बार मर जाते हैं बिकॉज ऑफ कैंपर्स। तो भाई इस वीडियो में है ना तुम्हारा जो सारा है ना सॉल्यूशन मैं कर दूंगा, एंड इसके बाद भाई तुम जो स्क्वाड हाउस के है ना भाई राजा बन जाओगे लिटरली। भाई तुम स्क्वाड हाउस में ना इजीली सारे बंदे मार पाओगे। तो या विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं वीडियो को। सो भाई लोग, आपके साथ भी भाई ऐसा बहुत बार होता होगा, जैसा कि भाई यहाँ पे आप देख सकते हो ना भाई ये बंदा है ना भाई कैसे यहाँ पे टीपीपी लेके बैठा हुआ है। अब ऑब्वियसली भाई हम यहाँ पे नेड भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या पता भाई कितने बंदे अंदर बैठे हो सकते हैं। सो आपको करना क्या है भाई, देखो डायरेक्ट तो हम ऑब्वियसली वहाँ पे जा नहीं सकते, तो आपको आ जाना है इस जगह पे, एंड यहाँ पे भाई जंप करके आपको सीधा गेट के ऊपर जंप करना है। एंड देन भाई जंप का जैसे ही बटन दबाओगे ना आप भाई लोग आप आ जाओगे सीधे स्क्वाड हाउस के अंदर। और यहाँ से भाई जैसा कि मैंने इस बंदे को इजीली नॉक दे दिया ना भाई, वैसे ही आप भी दे पाओगे। और ऑब्वियसली भाई देखो अंदर तीन चार बंदे भी हो सकते हैं, तो यहाँ से भाई ईजिली आप है ना उनको नॉक कर दोगे, क्योंकि सारे स्क्वाड हाउस का जो अंदर का साइड का व्यू है ना भाई वो ईजिली आपको मिल रहा है। सो यार बहुत ज़्यादा यूजफुल ट्रिक है, तो आप यूज़ करोगे ना भाई तो ईजिली आप बंदों को नॉक कर पाओगे। सो यार बढ़ते हमारे नेक्स्ट ट्रिक की तरफ हम। अब सो भाई लोग, अब ये ट्रिक है ना भाई ये बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है, क्योंकि पर्सनली भाई मैं ऐसे बंदों से है ना बहुत ज़्यादा बार मरा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो भाई कैसे लेटा हुआ है, तो आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट आपको यहाँ पे गेट को खोलना है बाहर की तरफ और जंप करना उसके ऊपर, और ईजिली भाई आप बंदों को नॉक यहाँ से कर पाओगे। क्योंकि भाई देखो कैंपर लॉबी जब भी लग जाती है ना, तो भाई ऐसी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा नॉर्मल होती है वहाँ पे, और ईजिली भाई आप इनका सामना यहाँ से कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ईजिली आप इसको यूज़ भी कर सकते हो। तो बढ़ते हमारे नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। सो भाई लोग, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे छत पे चढ़ने की जो ट्रिक है ना पहले ही बता दी, लेकिन अब ये जो रेलिंग है ना भाई ये कभी कभार कोई कोई स्क्वाड हाउस में होती नहीं है, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, आपको जस्ट आ जाना है सिंपली यहाँ पे, एंड भाई सीधे इस ट्रक के ऊपर है ना आपको जंप लगानी है। तो जंप आप कैसे भी लगा सकते हो, ईजी रहेगा एकदम, एंड यहाँ से भाई ईजिली आप बंदों को नॉक कर सकते हो। तो यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इजीली आप इसको यूज़ भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है। तो यह बढ़ते हमारी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। सो भाई लोग, अब यहाँ पे भाई इस बंदे को आप देख सकते हो, लाइक सीधे अगर मैं अंदर गया ना भाई स्टेयर से इस स्क्वाड हाउस के अंदर, तो भाई मेरी बैंड बजना तो यहाँ पे तय और कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे भाई आपको करना क्या है, सीधे भाई आपको जो है जंप करनी है और आ जाना इसके ऊपर, और छत के ऊपर आप चाहो तो दोनों ट्रिक्स में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे भाई आपको जंप करके सीधा इस तरफ जंप कर देना है और ईजिली भाई आप अंदर पहुँच जाओगे। और ये देखो भाई कैसे बैठा हुआ है, मतलब सीधे भाई मेरे घुसने का ही वेट कर रहा था क्या। तो यहाँ पे आप इस बंदे को ईजिली टेक डाउन कर दोगे। सो यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है और ईजी टू यूज़ भी है। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। सो भाई लोग, आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि भाई बंदे हैं ना यहाँ पे ऐसे क्रॉस फायर बिठा के बैठ जाते हैं, तो आपको क्या करना है भाई, सिंपली आ जाओ स्क्वाड हाउस के बाहर और यहाँ से भाई इजी एंगल मिल जाएगा आपको बंदों का, और यहाँ से भाई इजीली आप उनको टेक डाउन कर सकते हो। और यहाँ से भाई सिंपली वो वाली ट्रिक है ना जो छत के ऊपर चढ़ते हैं हम जिससे, वो यूज़ करो और आप छत के ऊपर भी पहुँच जाओगे, और यहाँ पे भाई इजीली आप है ना पूरी स्क्वाड को यहाँ पे वाइप कर दोगे। तो ये ट्रिक तो बेसिकली छोटी सी थी, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा यूजफुल भी थी, क्योंकि देखो छोटी चीज़ें कभी कभी भाई बड़ी चीज़ें कर देती है। तो यह बढ़ते हमारी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। सो गाइस, स्क्वाड हाउस की तो ट्रिक्स है ना यहीं पे ख़त्म होती है, लेकिन अपार्टमेंट्स की भाई एक दो ट्रिक है ना भाई बहुत ज़्यादा यूजफुल है, और मैंने इनको पिछले वाली वीडियो में जो है दिखाया नहीं था, लेकिन ये वाली वीडियो में मैं इनको दिखा रहा हूँ। तो यह चलते हमारी पहली ट्रिक की तरफ। सो भाई लोग, हमारी जो नेक्स्ट ट्रिक है ना भाई वो काम करने वाली है ये सामने वाले घर पे, और यहाँ पे भाई आपने देखा होगा कभी कभार भाई लोग ऐसा कैंप करके बैठ जाते हैं। तो आपको करना क्या है, जस्ट आपको आ जाना है यहाँ पे, एंड भाई यहाँ पे आपके साथ एक टीममेट का होना ज़रूरी है, तो उसको बोलो कि भाई गेट के उस तरफ खड़ा हो जाए, और यहाँ पे भाई आप जैसे ही जंप करोगे ना आप यहाँ पे आ जाओगे, और भाई सीधे यहाँ से आप बंदे को डाउन जैसे करना चाहते हो ना वैसे कर सकते हो। अब हो सकता है यहाँ पे भाई तीन चार बंदे बैठे हो, लेकिन भाई हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ से हम तीन चार बंदों को भी ईजिली नॉक कर सकते हैं। तो यह बहुत ज़्यादा ईजी ट्रिक है, एंड एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है, और मेरी वन ऑफ द फेवरेट ट्रिक्स है। तो यह आई गेस आपको पसंद आई होगी, और बढ़ते हमारी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। सो भाई लोग, अब ये जो ट्रिक है ना भाई ये भी सेम एग्जैक्ट पहले वाली ट्रिक की तरह काम करेगी, लाइक इसमें भी आपको एक जो है बंदा चाहिए होगा, और इजीली भाई आप यहाँ से जो है जैसे ही जंप करोगे ना ऊपर वाले बंदे को नॉक कर सकते हो। अब यहाँ पे भाई आप देख सकते हो मैं इजीली जो है यहाँ पे थ्रोएबल्स भी फेंक सकता हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस वाली ट्रिक का, एंड यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा काम आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे पूरे अपार्ट्स का है ना भाई आपके पास व्यू आ जाता है। सो यह बहुत ज़्यादा ईजी ट्रिक है, एंड एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है। तो बाकी अभी बात कर लेते हैं हमारे कॉमेंट ऑफ द डे की। सो भाई लोग, यहाँ पे तलहा जमील का पूछना है कि मेरा एक क्वेश्चन है, क्लोज रेंज में जायरो नो एडीएस सही रहेगा या एडीएस जीरो कर दे और जायरो
जायरो से ही डिपेंडेंट रहे। तो देखो भाई डिपेंड करता है, अगर आप जायरो प्लेयर हो ना तो भाई मैं एग्जैक्टली जो है यही चीज़ बोलना चाहता था मेरी जायरो वाली वीडियो में भी, कि हमेशा भाई है ना क्लोज रेंज में एम है ना भाई जायरो से ही यूज़ किया करो, लाइक जायरो से ही सही किया करो, क्योंकि भाई जायरो से जो एमिंग है ना भाई वो एकदम प्रिसाइज लेवल की होती है और गलत लेवल की एक्यूरेसी आती है भाई आपके पास। वहीं आप बात करें जो अपने नॉन जायरो प्लेयर्स है ना भाई, तो उनके लिए भाई ये जो ट्रिक है ना वो काम नहीं करने वाली है, क्योंकि भाई उनके पास जायरो होता ही नहीं है। सो या बहुत सही सवाल पूछा इन्होंने, और अगर आप भी चाहते हो भाई आपका सवाल मैं यहाँ पे पिक करूँ और सबके सामने आंसर करूँ, तो आप भी कमेंट कर सकते हो जो भी डाउट आपका हो। और अगर भाई जो डाउट है आपका वो ज़्यादा लोगों के लिए अच्छा रहेगा, लाइक ज़्यादा लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा, तो मैं उसे ज़रूर से पिक करूँगा एंड इसके अगले जो वीडियो है ना भाई उसमें उसका आंसर ज़रूर से कर दूंगा। सो या कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे पूछ लेना। बाकी अगर आपका जो कमेंट है ना भाई वो मैं पिक नहीं करता हूँ तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि भाई ज़्यादातर कमेंट्स का आंसर है ना मैं आजकल अपने जो कमेंट सेक्शन है उसमें ही कर देता हूँ। सो या डोंट फॉरगेट टू कमेंट। और बाकी भाई देखो वीडियो पसंद आई है ना तो लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि भाई हम वेरी क्लोज है 10K सब्सक्राइबर्स के, वैसे आज हो ही जाएंगे आई गेस, अभी आप वीडियो देख रहे होंगे तो हो ही गए होंगे, बाकी फिर भी सपोर्ट जारी रखना है आपको, लाइक सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। तो आई गेस आपको वीडियो पसंद आई होगी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई मेरा गेम प्ले आप इंजॉय कर सकते हो। Excellent work. Yes, it does. Arey bhai. Yes. Mara mat. Arey kitne gande bande ho bhai. Maar diya pura. Excellent work. बंदे भाई सारी किल चुरा लो बहन चुद में खेल रहे नहीं देखो। तुरंत ही मार दे हेल्थ है लेना ले 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 लेना राइट वाले को दे पहले राइट वाले को सॉरी और वो टिक्स एंड टिक्स वाला अब मार्क द लोकेशन ब्यूटीफुल फुल स्क्वाड है फुल स्क्वाड है पासवर्ड बोट है मार दो बंदे मार दो क्या
वो तो अंदर चढ़ गया। यहीं पे बंदा है। टट्टी टट्टी माफिया टट्टी टट्टी